भारतीय सेना अपने कठिन प्रशिक्षण के लिए दुनिया में जानी जाती है और भारत सरकार ये सुनिश्चित करती है कि रक्षा बलों को नए से नए उपकरण और सर्वोत्तम प्रशिक्षण मिले। इसी कड़ी में अब भारतीय सेना पवन सुरंग के जरिए पहली बार ऐसी ट्रेनिंग कर रही है जिसमें जवान को हवा में उड़ाकर उसे हवाई ऑपरेशन के दौरान आने वाली सभी परिस्थितियों के लिए तैयार किया जा सके। ये टनल हिमाचल प्रदेश के बकलोह में बनी है। किसी ऑपरेशन के लिए विमान से हवा में कूदना सेना के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू होता है, जिसके लिए विशेष बलों को पवन सुरंग के जरिए स्काई डाइविंग की प्रशिक्षण दी जा रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारी इंडियन आर्मी का फर्स्ट विंड टनल रेडी हो रहा है एंड ऐसे ही और भी ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं, बट द विंड टनल इज अ इंडोर स्काई डाइविंग सिमुलेटर। यानी हम जो हवा में जो भी हमारे को प्रॉब्लम्स होती हैं या जो हमने कार्रवाई करनी होती है वाइल फॉलिंग इन द एयर, वी कैन सिमुलेट दैट इन द टनल। स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में ये वर्टिकल विंड टनल भारतीय सेना का पहला ऐसा सिमुलेटर डिवाइस है। इसमें हम अलग अलग स्पीड पर, अलग अलग गति पर कॉम्बैट फ्री फॉल का अनुभव सिमुलेट कर सकते हैं। इस विंड टनल में हम लगभग 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विंड की गति को प्रोवाइड कर सकते हैं। एक कॉम्बैट फ्री फॉल के दौरान एक नॉर्मल ट्रूपर 180 से 220 किलोमीटर की रफ्तार से धरती की तरफ गिरता है। इसमें ना ही उसको ट्रेनिंग दी जाती है, बल्कि ये भी इंश्योर किया जाता है कि कम से कम कैजुअलिटी और ज्यादा से ज्यादा सेफ्टी के साथ उसे कॉम्बैट फ्री फॉल के लिए तैयार किया जा सके।